और सर कल कितना रन कर रहे हैं आप? 21 शूट करते हैं आप, डालते नहीं हो सर, कोई नहीं डालता। आज भी नहीं आ गया ये तो पक्का वो क्या कह रहे हो आप? तभी इतना डीओ मार्केट में बिक रहा है ना, पता कैसे मेरू में जीत रहे हैं बच्चे। ये बच्चे कितनी खुश है पांडा से बीफ लेते हुए। कितनी खा ना 5 किलोमीटर की 6 तो आप लोग चाहिए 5.5 किलोमीटर आ जाए। पंजाब हाफ मैराथन 12th एडिशन का ये विप एक्सपो चल रही है। ये विप एक्सपो चंडीगढ़ क्लब के ग्राउंड में है, जहां अभी विप एक्सपो के स्टार्ट ही हुआ और रनर वहाँ वेट कर रहे थे और ये सारे लोग बिप लेने के लिए यहाँ आ चुके हैं, जिसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में काफ़ी रजिस्ट्रेशन है। 10 किलोमीटर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उनमें है जो आप देख रहे होंगे। ये 5 किलोमीटर का ब्राउन कलर में है और ब्लू में 10 किलोमीटर के बिप हैं। तो बिप की संख्या से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटल रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन हुई है वो 700 के आसपास है और कुछ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी लगभग 100 के आसपास हुए हैं। तो उम्मीद है कि कल 800 रनर के आसपास रनर्स रन करेंगे और सारे रनर्स अपने बिप कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। ये जो टी शर्ट्स आए हुए हैं वो साइज बाय स्मॉल साइज और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह जो साइज़ हैं टी शर्ट्स की, उसकी सॉर्टिंग हो रही है क्योंकि लास्ट मोमेंट में रजिस्ट्रेशन जो अधिक हो जाता है तो ऑर्डर में थोड़ी लेट हो जाती है, तो साइज़ शॉर्ट्स नहीं हैं तो शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे हैं सॉर्टिंग करने में और टेंट वाले भी अपना काम कर रहे हैं, कल के इवेंट के लिए अपना टेंट लगाने का वो भी प्रोसेस चल रहा है क्योंकि रन भी इसी ग्राउंड से कल स्टार्ट होगा और ये रन अर्ली इन मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट होनी है। 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर का उसके बाद स्टार्ट होगा। ये टेंट वाले वर्क कर रहे हैं और ये 21 के में 10 और 5 के बनिस्पत थोड़े कम रनर हैं और सचिन जी उन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हुए हैं। प्रियांशी एवरग्रीन ये भैया इतना सारे अपनी टीम के लिए बिप कलेक्ट किए हैं और भैया आप कहाँ से आए हो रन करने के लिए? सर मोहाली से आए हैं। मोहाली से आए हैं आप, तो कोई रनर ग्रुप से हैं? नहीं नहीं सर, कंपनी से। और कितने किलोमीटर में आप रन कर रहे हो? सर 10 किलोमीटर। ओके ओके, चलिए कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। जरा टी शर्ट दिखाइए इधर, टी शर्ट का क्वालिटी आपको कैसा लगा? बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सुपर। सर वीडियो बना रनर्स अपनी बिप नंबर बता के अपनी बिप को कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को SMS थ्रिल जोन के द्वारा भेज दी गई थी और मोबाइल से सभी लोग अपने बिप नंबर शो कर रहे हैं जो उनके पास मैसेजेस आए थे और उसी के अकॉर्डिंगली सब अपनी बिप को कलेक्ट कर रहे हैं। एक M साइज निकलना।
जो नए रनर हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, बिप के पीछे चिप लगी होती है जो आप जब रन स्टार्ट करते हैं, फिर जहाँ आपका यू टर्न होता है और बीच में भी कुछ स्प्लिट्स होते हैं जहाँ पे टाइमिंग वाले अपने सेंसर लगाए रहते हैं और बिप में आपका जो चिप लगी होती है उसको सेंस करके ही आपकी रनिंग का टाइम निकल के आता है। तो इसलिए ये बिप का पहनना ज़रूरी होता है, लेकिन ये 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में ही टाइमिंग चिप लगी हुई है। 5 किलोमीटर एक्चुअली टाइम रन नहीं है तो वो विदाउट चिप है। और बिप की कलर अलग अलग होती है, उसका कारण ये होता है। 21 किलोमीटर कितने दिन बाद ना आई थी? आज भी नहीं आई, आज भी नहीं आ गया। ये तो पक्का पक्का कह रहे हो आप, तभी इतना डीओ मार्केट में बिक रहे हैं ना, पता कैसे है? मेरे रूम में बिक रहे हैं। जो मैं आपसे बोल रहा था, बिप का कलर जो वॉलंटियर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, कि जो रनर्स हैं उनको रूट्स बताया जा सके और किस रनर्स को कहां से टर्न होना है। तो वॉलंटियर्स थोड़े कलर को आइडेंटिफाई करके दूर से ही रनर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर वाले हैं या 10 किलोमीटर वाले हैं, 21 किलोमीटर। कलर इस इंडिकेशन को थोड़ा करने में आसानी रखता है। ऐसे नंबर से भी डिफाइन हो जाता है कि उनके स्टार्टिंग नंबर डिफरेंट वे में होता है, 5 किलोमीटर का और 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर का। बच्चे, ये बच्चे कितनी खुश है पांडा से बीप लेते हुए। और ये टी शर्ट्स अभी भी शॉर्ट्स हो रहे हैं क्योंकि टी शर्ट रेगुलर सप्लायर की तरफ से पहुंच रहा है रेडी होके। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स टी शर्ट शॉर्ट कर रहे हैं साइज़ वाइज, कि ये मोटरसाइकिल से देखिए फिर एक लॉट टी शर्ट की आ गई है। और साइज़ वाइज शॉर्ट कर देने से ये बेनिफिट होता है कि जब रनर्स आते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी होती है, हमारे वॉलंटियर्स को जो फ्रंट डेस्क पे बैठ के लोगों को बिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शॉर्ट होना भी ज़रूरी है। ये लगभग समय गुजरता चला गया और आस्ते आस्ते काफ़ी बिप कलेक्ट हो गए हैं और इस बार की टी शर्ट सभी रनर्स को बहुत ही अधिक पसंद आ रही है, क्योंकि टी शर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छा है, रनर्स काफ़ी तारीफ कर रहे हैं उसके। और कलर भी थोड़ा इस बार यूनिक सा रखा गया है। मैक्सिमम रनर के जो टी शर्ट्स के कलर होते हैं वो ब्राइट कलर होता है, पर इस बार थोड़ा स्लेटी ग्रे एक डिफरेंट कलर दी गई है जो रनर को पसंद आ रही है। टाइमिंग के लिए हेल्प करते हुए रनर को ऑलरेडी गुडीज बैग में सभी को रनिंग की टाइमिंग वाली पैम्पलेट्स टाइप का प्रिंट करके दे दिया गया है कि रनर्स अपने टाइमिंग या एज कैटेगरी के बारे में जान सकते हैं। ये कुछ रनर अपना सेल्फी लेते हुए और एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग टू टेक देयर सेल्फी। ये कपल रनर अपने सेल्फी ले रहे हैं और लाइक दिखाते हुए। तो इस रन में एज कैटेगरी भी रखा गया है कि थोड़े से हर एज के रनर्स को मोटिवेट किया जा सके। तो एज कैटेगरी में भी विनर्स होंगे और एक हमारे बीच में काफ़ी सीनियर रनर ने अपना बिप कलेक्ट किया। कितना रन कर रहे हैं आप? 21 इस ढंग के रनर बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं।
काफ़ी अच्छा लगता है। इवन मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि कंटिन्यूसली फिटनेस के लिए रन करते रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। बाकी और सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे स्टार्ट और फिनिश का गेट यहाँ पर होगा, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा रन। डन डन, पार्किंग आपकी यहीं पर आगे साइड होगी इधर। अरे हमारे अमन जी अभी हेल्प कर रहे थे रनर को सारे मॉर्निंग में, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ से रन स्टार्ट होगा। वॉलंटियर्स हेल्प करते हुए पेमेंट आ हुई है। कभी कभी जो लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका डाटा जो है वॉलंटियर्स के पास नहीं होता, उसके लिए प्रिंट आउट लास्ट मोमेंट्स में निकालना होता है, तो वॉलंटियर्स को उसको ट्रैक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और कोई बात नहीं है, तो कुछ इसी ढंग की समस्या इन रनर के साथ थी। और वॉलंटियर्स पूरे जोशो को बढ़ाते हुए सभी को बीप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये टी शर्ट लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो अपने साइज को कंसर्न करते हुए, क्योंकि लेना और डिस्कशन उसी के ऊपर हो रही है। सर आप यहाँ पे सर बोल रहे सर, ये बच्चे अपनी मम्मी को साइज में हेल्प करते हुए बता रही हैं। बारह बजे से ये एक्सपो चल रहा है और हम लोग लगातार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी हो रही है, टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बन रहे हैं। और ये कुछ हम लोग अपने टीम वाले अपने लिए वक्त निकाल के एक फ्रूट ठेलिया पे जो लगाए हुए हैं और कुछ बंटा कहते हैं वो रखे हुए हैं, तो वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर रिफ्रेशमेंट। इट्स जस्ट अ ब्रेक फॉर कुछ ही मेंबर, हम लोग इधर आके एक ब्रेक लेने का डिसाइड किया और यहाँ पे आके हम लोग अपनी रिफ्रेशमेंट लेके वी विल बैक टू एक्सपो। ये ग्रुप का पैकेट रेडी कर दी गई है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनके लिए ये सारा पैक करके उसमें साइजेस को थोड़ी ठीक की जा रही है और ये गुडीज बैग के साथ सारा रेडी हो गया है उन ग्रुप के लिए। और आप देख रहे होंगे कि टेबल पे बिप भी अब कम दिख रही होगी, क्योंकि आस्ते आस्ते बहुत सारे रनर अपने बिप कलेक्ट करके जा चुके हैं। बीच में काफ़ी क्राउड बढ़ गया था जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी थोड़ा से रनर्स को बिप देने में हेल्प करना ज़्यादा उचित समझा। 5 0 8 7 8 4 मीडियम देना, मीडियम एक और मीडियम दे दो। रनर्स लगातार आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। हमारे बीच में दीप्ति मैम सभी लोगों का टेस्टिमोनियल्स लेती हैं और उन्हें कल के रन के लिए विशेष देती हैं कि अब वो अच्छा रन करें। ये मैं टेस्टिमोनियल लेते हुए दीप्ति मैम, चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को
रूट मैप के बारे में थोड़ा बता क्या दूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग, मैं चंडीगढ़ का हूं नहीं, मैं लखनऊ से आया हुआ हूं, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने में हमें मुश्किल होगी, पर ये रूट मैप है जो कल रन होगा, और इस रूट मैप को आप लोग देख के फॉलो करेंगे अपने रन को। और ये बस एक ग्रुप फोटोग्राफी करते हुए आज का एक्सपो का वीडियो मैं यहीं पे साइन ऑफ करता हूं, और जो कल मैराथन का जो वीडियो होगा वो हम अपने कपल रनर चैनल पे पोस्ट करेंगे। थैंक यू।